सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटन के बीच आईपीएल का 12वां मैच खेला गया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच में ओपनिंग शुरुआत बॉलिंग में अजमतुल्ला ने की और बैटिंग में ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग शुरुआत की। पहले ही ओवर से ट्रेविस हेड फॉर्म में दिखे, वहीं दूसरी छोर से उमेश यादव ने बॉलिंग की शुरुआत की। मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड काफ़ी अच्छे लग रहे थे और अगले ओवर में मयंक अग्रवाल बड़ा शॉट्स खेलने के चक्कर में अजमतुल्ला की गेंद पर कैच आउट हो गए। या दोस्तों, मयंक अग्रवाल दोनों मैच में रन बनाने में असफल रहे। वहीं दूसरी छोर से राशिद खान बॉलिंग अटैक पर आ गए और राशिद खान की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने 16 गेंद पर ही 50 रन बनाए थे। ट्रेविस हेड को पावप्ले के बाद नूर अहमद ने आउट कर दिया। उसके बाद आए एडम मार्करम भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे एडम। और वहीं अभिषेक शर्मा बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए, इनको मोहित शर्मा ने आउट किया। इसके बाद आए हेनरी क्लासन ने आते ही शानदार शुरुआत की, चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वहीं नूर अहमद ने अपना गेंदबाजी क्रम जारी रखा। इसके बाद हेनरी क्लासन बड़े शॉट लगाने के चक्कर में राशिद खान के गेंद पर बोल्ड हो गए। राशिद खान ने उनका विकेट लिया, जिसके बाद सनराइजर हैदराबाद के रन गति में ब्रेक लग गया। इसके बाद माकरम एक छोर से अपना शॉट लगाते रहे और एक तरफ से विकेट का पतन भी होता रहा। उमेश यादव ने एडम मार्करम को बाउंड्री लाइन पर राशिद खान के हाथों कैच करवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे अब्दुल समद ने भी शानदार बल्लेबाजी की, आते ही बाउंड्री लगाना शुरू किया। इनके साथ शहबाज अहमद ने भी बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू किया, लेकिन रन गति काफ़ी कम थी और लास्ट जाते जाते इन्होंने शॉट्स लगाने की कोशिश भी की और लास्ट ओवर में मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट एक ही ओवर में लेकर के सनराइजर हैदराबाद की पारी को 162 रनों पर रोक दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई गुजरात टाइटन की टीम में बॉलिंग की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने किया। गुजरात तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग करने आए। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। साहा गजब के फॉर्म में दिख रहे थे, इन्होंने स्पिन गेंदबाजी और फास्ट बॉलिंग दोनों पर अटैक करना शुरू किया। इसके बाद गेंदबाजी करने आए जयदेव नाड़कर, जो भी साधारण दिखे। इसके बाद अगले ही ओवर में शहबाज अहमद ने रिद्धिमान साहा को आउट कर दिया। इसके बाद आए साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी की शुरुआत चौके से की। इसके बाद शुभमन गिल एक तरफ से चौके लगा रहे थे, दूसरी तरफ से साई सुदर्शन गजब के फॉर्म में दिख रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के गेंदबाजों के जमकर क्लास लगाई। वहीं इसके बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भी अच्छी साझेदारी चल रही थी और 38 रनों पर मारकंडे ने शुभमन गिल को आउट करके सनराइजर हैदराबाद को मैच में दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की और साई सुदर्शन के साथ मिलकर के दूसरे विकेट के लिए 42 गेंद में 64 रनों की साझेदारी की। अंतर इस साझेदारी को तोड़ने का काम पैट कमिंस ने किया। पैट कमिंस के बाउंसर गेंद पर साई सुदर्शन ने हुक लगाने की कोशिश की और टॉप एज लगकर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे विजय शंकर, जिन्होंने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत की और लगातार 2 बाउंड्री लगा करके मैच को अपने हक में कर दिया और डेविड मिलर के साथ यह मैच 7 विकेट से सनराइजर हैदराबाद को हरा दिया। जी दोस्तों, धन्यवाद।